हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा फायर यूजर्स के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल वुंड्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो पहले उसको कंसेप्ट समझ लो, फिर एग्जाम प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। सब क्वेश्चन वही सॉल्व करना एकदम इजी रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुड्स, नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स सर? नॉर्मल गुड्स वो होता है जितने का गुड्स है कस्टमर देने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल, हम एक मोबाइल बेचते हैं 10,000 रुपीज का, तो कस्टमर 10,000 देने के लिए तैयार है उसका, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो क्या लिखा, नॉर्मल गुड्स कौन सा होता है? अगर उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, कस्टमर 100 रुपीज देने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। सर फिर एबनॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं, ध्यान देना। एबनॉर्मल गुड्स वो होता है जैसा मोबाइल 10,000 का था, लेकिन कस्टमर 10,000 देने के लिए तैयार नहीं, कस्टमर बोलता है मैं इसका 6,000 दूंगा। कुछ प्रॉब्लम है, इट कैन बी डिफेक्टिव, इट कैन बी आउटडेटेड, देयर आर मेनी अदर रीजन आल्सो। तो एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, कस्टमर 60 रुपीज ही देगा बोलते हैं, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देगा, दैट इज एन एबनॉर्मल। तो रीजन क्या हो सकता है? डिफेक्टिव है, आउटडेटेड है। तो सर हमें क्या करना है? तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो डबल कॉलम बनाने का, नॉर्मल का अलग कॉलम, एबनॉर्मल का अलग कॉलम। तो अब क्या करने का, उसमें कुछ बातें ध्यान देना। इन केस ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब निकालना, एलिमिनेट एबनॉर्मल सेल एंड एबनॉर्मल परचेज फ्रॉम नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर जो एबनॉर्मल रहेगा ना, उसको आप अलग कर देना। परचेस के अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल, परचेस में से अलग कर दो। सेल में इंक्लूड है, सेल में से अलग कर दो, ताकि हम एबनॉर्मल का अलग ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं सर? नॉर्मल गुड्स के अंदर अपने को प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल गुड्स के अंदर लॉस होता है, तो मिक्सिंग हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट अपन प्रॉफिट कितना कमाए। नॉर्मल गुड्स के अंदर प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल गुड्स के अंदर लॉस होगा। अगर दोनों एक ही कॉलम बनाओगे तो मिक्स हो जाएगा और वो लॉस प्रॉफिट के अंदर छुप जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट, हम लोग एबनॉर्मल को अलग करते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम बना के दिखाऊंगा। सेम एग्जाम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसको आप नोट कर लेना। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान देना। On 1st April 2013, the godown of Mr. P was destroyed by a fire. From the accounts of the books and the following particulars are gathered. Now data padhe. Stock at cost on 1st Jan 2012, matlab previous year ka data diya hai. Previous year, 2012 previous year aur 2013 mein aag laga tha. To stock at cost on 1st Jan 2012, 4595. Stock as per balance sheet, 31st December 2012, 8520. Purchase during 2012, 45225. Purchase from 1st Jan 2013 to 31st March 2013. Fire वाला purchase दिया, जिस year में आपको fire लगा था उस सब का purchase दिया है। Sales 2012 का दिया है, previous year का sale है। Sales fire वाला दिया है, Jan to March लिखा है ना, मतलब जिस साल fire हुआ था उस साल का sale दिया है। नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ गुड्स सैलवेज, कुछ गुड्स बच गया फायर में 1050 का। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गुड्स गुड्स उस ओरिजिनल कॉस्ट इज 600, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया हूं मैंने। गुड्स उस ओरिजिनल कॉस्ट इज 600, वैल्यूड एट 250 ऑन 31st December 2012। एक एबनॉर्मल गुड्स था 600 रुपीज का, तो जब वैल्यूएशन कर रहे थे नए लोग क्लोजिंग स्टॉक का, तो उस एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना लिखे वो लोग ने, 250 लिखे। तो 600 रुपए का गुड्स था, उसको 250 शो किया, दैट्स इंडिकेशन इट्स एन एबनॉर्मल गुड्स। आगे बढ़ते हैं। दिस गुड्स वर सोल्ड ऑन 31st मार्च 2013 फॉर 450। ये गुड्स को नेक्स्ट ईयर में बेचा है लोग ने 450 रुपीज का। एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन द रेट ऑफ द जीपी रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब ये ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह जीपी सेम है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ है इस एबनॉर्मल गुड्स में। ऑन 31st मार्च गुड्स वर्थ 2500,
On 31st March 2013, goods worth 2500 has been received by godown keeper but not entered in the purchase register. Unrecorded purchase. क्या करना है सर इसका परचेस में ऐड कर देना है उतना क्लियर ना तो जरा ध्यान देना कैसे करना है तो दो लेजर बनाएंगे एक ट्रेडिंग ऑन प्रीवियस ईयर का और दूसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग ऑन फ्रॉम 1st Jan टू 31st March अप टू द डेट ऑफ द फायर टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ओके तो उसमें कॉलम दो दो बना लेना नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों साइड ठीक है अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान देना सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना पिछला साल का प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 4595 ठीक है नेक्स्ट क्लोथिंग स्टॉक दिया है 8520 नहीं लिखेंगे नीचे वाला थर्ड वाला पढ़ो परचेस इस साल परचेस कितना क्या तो लिखेंगे टू परचेस परचेस कितना दिया है 45225 दिया है ना इसमें से कितना लेस करने को पैराग्राफ पढ़ो पैराग्राफ गुड्स हुज ओरिजिनल कॉस्ट 600 हम एज्यूम करेंगे वो जो एबनॉर्मल गुड्स है ना इस साल परचेस किया था तो उसका परचेस में इंक्लूड एज्यूम कर रहा हूँ तो गुड्स कितने का था वो 600 का हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करेंगे एबनॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करने का तो जो गुड्स एबनॉर्मल था ना हम एज्यूम करने का कि वो परचेस के अंदर इंक्लूड है क्योंकि अगर आप एज्यूम करेंगे ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है तो अपन को और पीछे जाना पड़ेगा इसीलिए हम एज्यूम करते हैं परचेस के अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल तो जो परचेस किया था उसके अंदर इंक्लूड एबनॉर्मल तो 600 माइनस कर देंगे उसमें से तो 45225 में से 600 माइनस कर दो आंसर आता है 44625 और ये जो एबनॉर्मल यहां से लेस किया ना एबनॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करने का 600 समझ में आया एबनॉर्मल हमेशा एज्यूम करना परचेस में इंक्लूड है इसीलिए परचेस में से लेस करके अलग से शो कर देना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2012 का सेल कितना दिया 58,500 तो लिखेंगे बाय सेल्स क्लियर नेक्स्ट वो अब 2012 का ऊपर सेकंड लाइन में देखो बैलेंस स्टॉक सेकंड लाइन में देखो स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31st December 2012 तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 8520 दिया है ना रुको अभी इधर ही इंपॉर्टेंट है 8520 दिया है तो पैराग्राफ पढ़ो पैराग्राफ में क्या लिखा है गुड्स हुज ओरिजिनल कॉस्ट 600 गुड्स हुज पैराग्राफ में क्या लिखा है गुड्स हुज ओरिजिनल कॉस्ट 600 वैल्यूड एट 250 जब अपन स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे ना तो क्लोथिंग स्टॉक कितना लिख दिया हमने 250 लिखा क्योंकि वह एबनॉर्मल है तो हमने 250 लिखा तो क्या करना है 250 उसमें से लेस करके अलग से शो करना है तो 8520 माइनस 250 तो क्लोथिंग स्टॉक कितना आता है नॉर्मल का 8270 ये समझा क्यों लेस कर रहे हैं क्योंकि अपन एबनॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करने का तो इसमें से लेस कर दो लेकिन रुको जब क्लोथिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो 250 लिखा था तो 250 लेस किया लेकिन जब आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना लिखोगे 600 लिखने का बोला सर तौबा ये क्या लिख दिए सर एक डाउट है आप इधर लेस किए 600 तो लिखे 600 इधर लेस किए 250 तो क्यों 600 लिखा क्योंकि रूल्स है स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट स्टॉक हम इसे किस पे शो करते हैं कॉस्ट पे शो करते हैं स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट तो जितना है उतना लिखो ना वापिस बोलता हूं 600 लेस किया 600 शो किया यहाँ 250 वैल्यू लिखा था क्लोथिंग स्टॉक का लेकिन 250 नहीं लिखने का स्टॉक हम इसे किस पे शो करते हैं कॉस्ट पे शो करते हैं वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो स्टॉक हम इसे किस पे शो करते हैं कॉस्ट पे इसीलिए 600 लिखने का एज्यूम समझ में आया हर क्वेश्चन में इसी करना पक्का राइट होगा आगे बढ़ते हैं ये स्टेज पे क्या करना है टोटल करना है तो एबनॉर्मल तो टैली हो गया 600 क्योंकि जितना था वही लिखा हमने
अब आज और नॉर्मल टैली करते हैं नॉर्मल का, तो 58,500 प्लस 8,270 टोटल आता है 66,770। यहां पर भी लिखेंगे 66,770 माइनस 4595 माइनस 44625, डिफरेंस आता है 17550। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसका मतलब पिछला साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 17550। तो अपन जीपी परसेंटेज चेक करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 17550 डिवाइड बाय अपना सेल कितना है 58,500 इनटू 100, आंसर कितना परसेंट, तो 17550 डिवाइड बाय 58,500 परसेंटेज आंसर आता है 30%। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 30%। यही जीपी अपन फ्यूचर में भी अप्लाई करेंगे मेमोरेंडम के अंदर भी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में अपना जीपी 30% था, सेम अप्लाई करेंगे मेमोरेंडम के अंदर भी। तो आ जाओ अभी मेमोरेंडम सुनो, कल का क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, जैन का ओपनिंग स्टॉक, तो ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। नॉर्मल गुड्स का कितना लिखेंगे सर 8,270 और एबनॉर्मल गुड्स 600। स्टॉक हमेशा किस पे शो होता है, कॉस्ट पे, नाइदर अंडर वैल्यू नॉर ओवर वैल्यू, ना कम लिखो ना ज्यादा लिखो, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे लिखने का। नेक्स्ट अब आज क्वेश्चन पढ़े फिर से, फायर वाला परचेस दिया था ना फोर्थ लाइन, देखो फोर्थ लाइन परचेस फ्रॉम 1st Jan 2013 टू 31 मार्च 2013 12,500, तो लिखेंगे टू परचेस। लेकिन रुको ना, उस परचेस के अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस था, एक पैराग्राफ में था ना लास्ट में लिखा था अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो परचेस कितना दिया था क्वेश्चन में 12,500 और अनरिकॉर्डेड परचेस 2,500 ऐड हो जाएगा, तो नॉर्मल परचेस कितना होगा 15,000, अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड कर देना। आगे बढ़ते हैं, सेल फ्रॉम 1st Jan 2013 टू 31 मार्च 2013 सेल दिया हो ना 15,250, लेकिन रुको, लिखेंगे बाय सेल। अच्छा नॉर्मल पूरा सेल कितना दिया था अपने को 15,250 दिया था ना 15,250। अब वो पैराग्राफ पढ़ो ना फिर से, गुड्स उस ओरिजिनल कॉस्ट 600, गुड्स उस ओरिजिनल कॉस्ट 600 वैल्यूड एट 250, दिस वाज सोल्ड इन 31st मार्च 2013 फॉर 450, इसको 450 में सेल किया, तो जब सेल किया रहे तो सेल के अंदर इंक्लूड रहेगा ना, वो जो आप सेल किया ना नॉर्मल और नॉर्मल के अंदर इंक्लूड हो गया, तो उसको अपन अलग करेंगे। पैराग्राफ पढ़ो, गुड्स हुज ओरिजिनल कॉस्ट 600 वैल्यूड एट 250 वाज सोल्ड इन 31st मार्च 2013 फॉर 450, 450 का बेचा तो 450 इसके अंदर इंक्लूड रहेगा नॉर्मल सेल के अंदर, इसको अपन अलग करने का, तो 450 को अलग लिख दो और बैलेंस को अलग कर दो, तो 15,250 माइनस 450 तो नॉर्मल सेल कितना आएगा 14,800। हमें क्या करना है, नॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना है, एबनॉर्मल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना है, तो ये नॉर्मल सेल या एबनॉर्मल सेल, ओके नेक्स्ट। लेकिन एक बात नोट करना, 600 रुपए का गुड्स था 450 का बेचा आपने, सिंस इट इज एन एबनॉर्मल तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 150 रुपीज का लॉस हुआ, तो लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है। 600 रुपए का गुड्स था 450 रुपीज का बेचा था 150 का लॉस हुआ ना। आगे बढ़ते, ऑलमोस्ट सब हो गया, जीपी कितना परसेंट था प्रीवियस ईयर 30% था, सेम जीपी यहां पर भी अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल परसेंटेज है, नॉर्मल सेल की जो जीपी है ना 30% नॉर्मल सेल के ऊपर, तो व्हाट इज माय नॉर्मल सेल 14,800, तो 14,800 का 30%,
तो 14,800 का 30% आंसर आता है 4440। अकाउंट टोटल कर लेते हैं तो 8270 प्लस 15,000 प्लस 4440 टोटल आता है 27,710। ये टोटल यहां लिखेंगे 27,710 माइनस 14,800 डिफरेंस आता है 12910। इसी को बोलते हैं बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा था उस दिन इतना हजार का माल चल गया, मतलब जिस दिन आग लगा था 12,910 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और एबनॉर्मल गुड्स टैली हो गया 600, यहां पर भी 600 क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया और सेल के अंदर इंक्लूड था, हमने उसको अलग किया और उसमें लॉस हुआ 150 का। ओके नाउ अब क्या करना है, क्लेम कितना करना है, तो वर्किंग नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो बताओ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना का, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, उसमें दो है नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल गुड्स कितना है 12,910 और एबनॉर्मल कितना है सर जी, एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर क्वेश्चन में एबनॉर्मल रहेगा तो एबनॉर्मल भी लिखना, ठीक है ना, एबनॉर्मल भी लिखना, इस क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए मैं जीरो लिखा। तो आ जाओ टोटल कितना हुआ 12,910, इसमें से क्या लेस करने का, लेस सैल्वेज, क्वेश्चन में दिया था ना सैल्वेज कितना है, क्वेश्चन में दिया था सैल्वेज कितना है 1050 माइनस कर दे तो 12,910 माइनस 1050 तो लॉस कितना हुआ 11,860 का, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। इस क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया था, जब भी कभी क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया रहेगा एज्यूम करने का स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड तो क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, तो क्लेम कितना करोगे 11,860, ये बात नीचे लिख देना। इट इज एज्यूम दैट स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड, इट इज एज्यूम दैट स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड देयरफॉर क्लेम is equal to loss of stock और कितना हुआ था loss 11,860 is the final answer। Okay, assuming समझ में आया, एक बार fast recall करा देता हूँ कैसे करना है, जब भी क्वेश्चन में abnormal goods होगा तो क्या करना, फर्स्ट है assume करना purchase के अंदर include है तो less from purchase, तो इसको हमने वैल्यूएशन किया होगा ना तो कम लिखा होगा और वो स्टॉक के अंदर इंक्लूड रहेगा तो उतना लेस कर दिया 250, लेकिन जब भी कभी लेस करके शो करोगे तो हमेशा किस पे शो करोगे, कॉस्ट पे। आई रिपीट स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूएट कॉस्ट वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो लेस करेंगे 250 लिखने का 600। इस आंसर को नीचे लेके आओ और इस एबनॉर्मल गुड्स को अपने सेल किया सेकेंड ईयर 450 रुपीज का वो सेल के अंदर इंक्लूड था ना तो लेस फ्रॉम सेल और अलग से शो करना 450 और उसमें लॉस हुआ 150 रुपीज का, अकाउंट को टैली करो जो डिफरेंस आएगा नॉर्मल का बोल देना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर यहाँ लिखो नॉर्मल का एबनॉर्मल का टोटल लेस सैलवेज और इस क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया था तो क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। ओके एज मी समझ में आए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, थैंक यू।